अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। आंदोलन के नाम पर प्रदर्शनकारियों ने करोड़ों की सरकारी संपत्ति फूंक डाली। प्रदर्शन के चलते केंद्र सरकार को कई राज्यों में रेल सेवाएं बंद करनी पड़ी, जिसके चलते हर दिन सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही आम जन को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस आंदोलन की आग में सबसे ज्यादा बिहार जल रहा है, जहां जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन के साथ प्रदर्शनकारी ट्रेनों और रोडवेज बसों में आग लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में सिर्फ 4 साल की नौकरी को लेकर गुस्सा देखा जा रहा है। इस हिंसक प्रदर्शन के बीच देश के पहले CDS दिवंगत जनरल बिपिन रावत का 3 साल पहले 2018 में दिया एक बयान खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे पुराने वीडियो में वो जो बातें कहते नजर आते हैं उसे सुनकर भावुक हो जाएंगे। इस वीडियो में जनरल रावत पुणे में सेना की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में जवानों को आर्मी के प्रति समर्पण के बारे में बताते सुनाई पड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि भारतीय सेना सिर्फ नौकरी का जरिया नहीं है, अगर आपको भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती दिखानी पड़ेगी। आइए आपको सुनाते हैं उनका पूरा बयान, जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलत फहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है, आपका हौसला बुलंद होना चाहिए, आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। ये नौकरी का जरिया नहीं है, क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है, नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, PNT में जाइए, और बहुत से जरिए हैं, अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। तीनों सेनाओं की ओर से रविवार को साझा प्रेस वार्ता कर अग्निपथ योजना से जुड़े हर भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर शायद इसका कोई असर नहीं पड़ा और आज फिर विरोध के नाम पर भारत बंद बुलाया गया है। ऐसे में उन्हें सियासी लोगों की बातों में आकर हिंसक प्रदर्शन और देश की संपत्ति जलाने के बजाय प्रदर्शनकारी युवाओं को दिवंगत जनरल बिपिन रावत का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। TV9 भारतवर्ष भी देश के युवाओं से अपील करता है कि वो हिंसक प्रदर्शन कर देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अग्निपथ योजना से जुड़ी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।